अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो मेरे नए आने वाली वीडियोस हैं वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। और मैं अभी अल्लाह ताला के फजल शुक्र और करम से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान में, घर के करीब कब्रिस्तान है उधर दुआ करने, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ। तो अभी इधर दुआ करते हैं। ये हैं, वो पाग जा रही है, दोनों पाग ही हैं, ये वो जा रही है एक, और ये यहाँ में रोटी पड़ी है तो इसे खा रही हैं, तो इसको उठा कर ऊपर रख देते हैं, इसको इधर रखते हैं ताकि आसानी से खा सकें। तो वो चढ़ रही है ये दरख्त पर चढ़ने की बहुत माहिर होती है। जी तो बाइक की हालत बहुत गंदी हो गई है, इसे इंशाल्लाह तुलवाना है। और ये कीचड़ लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, टायर भी गंदे हैं, और दो तीन काम और भी करवाने हैं इसके। एक ये सीट नहीं लगवानी है, दूसरा वो चैन कवर नामा लगवाना है, और अदर शरियार लोग पढ़ के आ रहे हैं मस्जिद से, क्या हाल है। तो और इसका मोबाइल भी चेंज करवाना है। तो जो ही मैं इंशाल्लाह फारग होता हूँ तो सबसे पहले इंशाल्लाह बाइक का काम करवाना है। तो अभी इसकी हालत बहुत ही गंदी है, मिट्टी लगी हुई है इंजन के नीचे भी, ये देखें कितनी मिट्टी लगी हुई है, और ये इधर। तो उससे इंशाल्लाह मुकम्मल इसका काम करवाना है। सीट अगर और ना करवाया ना, सीट और वो चैन कवर है वो तो लाजमी है, क्योंकि अभी पिछले महीने या उससे पिछले महीने में मैंने ये नया लगवाया है ये चैन कवर, तो इंशाल्लाह इसका काम करवाना है। और पिछले दिनों में, गुज़िश्ता दिनों में बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा कीचड़ था रास्ते में, तो गांव के रोड वैसे भी इतने सही नहीं है, तो फिर ये कीचड़ जम गया है। मेरा तो मुश्किल है, मैं नहीं जाऊंगा मैच देखने। और अभी मैं जा रहा हूँ काबिज के पास, तो उनकी हवेली में जाएंगे, उनकी जो सब्ज़ी है वो आपको दिखाएंगे और उनसे गपशप लगाएंगे। ये लड़के ट्यूशन पढ़ के अभी वापस आ रहे हैं, तो माशाल्लाह धूप में थोड़ा खड़े होते हैं, धूप लगाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। और इधर भी लड़के खेल रहे हैं, उधर भी लड़के मैच खेल रहे हैं, तो शायद इधर वॉलीबॉल का मैच हो रहा है। तो वॉलीबॉल का शौक तो नहीं है, तो मैच सख्त हो तो देख लेते हैं मुकाबला। ये वाला शलजम का किनारा है, और ये मुनीब भाई हैं, ये तो अपनी मूरियाँ लेके जा रहे हैं, और इधर देखते हैं शलजम। अब इस वक्त खाने के लिए एक मिल गई है, दो चार देते हैं दाने, दो बड़े से हों ये छोटे हैं, ये तीसरा मिल गया, ये तीन हो गए हैं, और कोई अभी बड़ा सा देखते हैं, ये मिल गया। तो ये उधर अभी नलका लगा हुआ है, उधर से उनको पहले धोते हैं और फिर तनावल फरमाते हैं। और ये मुनीब, ये मूलियाँ तो लेना क्या बात सुने, ये आधे गंदे हो जाएंगे तो लें। तो उधर है नलका, इधर से उसको धोते हैं, उधर का भी अपने काम मसरूफ हैं, तो इधर रखते हैं इनको और अभी धोते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह धो लिए हैं शलजम, एक दो तीन चार पाँच छः हैं, तो सात मैं भी खाऊंगा और काविश भी खाएंगे। तो धो लिए हैं, अब ये थोड़े सूख लें,
फिर खाते हैं, और इस तरह सारे खेत हैं गंदम के, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शलजम खा लिया है, और अभी ठंड मुझे लग रही है तो मेरा मफरल इधर है दीवार पर, मैंने इधर रख दिया था, तो अभी उसको करते हैं ऊपर। बहुत ठंड हो गई है, मगरब का टाइम होने वाला है, और अभी थोड़ा टाइम रहता है मगरब में, तो अभी थोड़ा लगाते हैं गपशप और उसके बाद चलते हैं कार जी। तो सुबह सुबह का टाइम है, और इन दोनों में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आपको दिखाते हैं, ये चेक कर कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। इन दोनों में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और ये सरसों की फसल है, इसमें देखा ना ये कोहरा ही कोहरा है। और अभी मैं इधर खड़ा हूँ, धूप लगवा रहा हूँ, और आज बहुत मज़े की धूप निकली है, बिल्कुल आसमान साफ है, मौसम बेहतरीन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर तक पढ़ाई करने, और आपसे मिलते हैं पढ़ाई करने के बाद। 6.5 hours later जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया हूँ, और आज के व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबके हामी नसर हो। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।